हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड मसाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ एक और मशहूर किस्सा लेकर आए हैं, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। क्यों शैलेश रोड़ा ने एनिमल फिल्म की एक सीन को लेकर दी ऐसी टिप्पणी। एनिमल फिल्म में एक सीन है जहां रणबीर कपूर रश्मिका मंदाना को समझाते हैं कि अल्फा मैन कैसे होते हैं। अल्फा मैन काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, वो अपने परिवार के लिए उनके खाने का बंदोबस्त करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और अल्फा मैन कभी भी रोते नहीं हैं। जिसके बाद रश्मिका मंदाना अपनी शादी छोड़ के रणबीर कपूर से शादी कर लेती है। फिल्म के इसी सीन पर शैलेश लोढ़ा ने अपनी राय रखी है। वो जब आज तक के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, ऐसे तो शैलेश अपने मुद्दों को किसी के भी सामने खुलकर रखते हैं। जब उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो छोड़ा था, तब भी उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा निराश हुए थे। शैलेश ऐसे इंसान हैं जो कि अपनी बात किसी के भी सामने रखने से नहीं डरते हैं। ऐसे में शैलेश ने इस मूवी के एक सीन के बारे में टिप्पणी देते हुए कहा, इन दिनों अल्फा मेल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि अल्फा मेल रोते नहीं हैं। शैलेश ने कहा कि किसने कहा कि आदमी रो नहीं सकता, रोना नहीं चाहिए और बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। मेरा मानना है कि जो इंसान रोता नहीं है वे संवेदनाहीन होता है, उसके अंदर किसी भी तरह की फीलिंग्स नहीं होती है। अगर वो उसके अंदर की फीलिंग्स ख़त्म हो गई तो फिर वो इंसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं रोता हूँ, फिल्में देखकर रोता हूँ, सड़क पर कुछ दुखद होता है तो मैं रोता हूँ। रोना संसार का सबसे बड़ा गिफ्ट है और इंसान को रोना चाहिए। शैलेश लोढ़ा ने कहा कि एनिमल फिल्म में अल्फा मेल का जो किरदार है, मैं उसके खिलाफ हूँ कि अल्फा मेल कभी भी रो नहीं सकते हैं। आदमियों को रोना चाहिए और कभी भी उन पर इस तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि वो अल्फा मेल होंगी तो ही वो आदमी अच्छे हैं और वो अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। एनिमल फिल्म हमेशा ही सुर्खियों में रहा है और अब शैलेश लोढ़ा ने भी उस फिल्म पे ऐसी टिप्पणी की है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।